अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिमशेक ब्लॉग। तो वेलकम हो गया आपका मेरे चैनल पर। तो बहुत दिन के बाद फिर मैं ब्लॉग लेकर आ गई हूँ, बट ये भी डेली ब्लॉग नहीं है। डेली ब्लॉग में मैं डालूंगी अभी हुरेन का स्पोर्ट प्रैक्टिस डे होने वाला है, उसके बाद स्पोर्ट डे होने वाला है, तो वो भी मैं एक साथ हो चुका है बट एडिट नहीं करी हूँ मैंने। तो मैं दोनों चीज़ एडिट करके जब उसका स्पोर्ट डे का प्रैक्टिस थी वो और स्पोर्ट डे जिस दिन हुआ वो भी डालने वाली हूँ। और ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने ऑर्डर की थी ओवन, जैसे कि मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दी थी कि मैंने ओवन ऑर्डर की। तो ये आ चुका है, इधर आप लोग देख सकते हो ये आ चुका है। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी डिटेल बताने वाली हूँ ये वीडियो में कि इसमें क्या क्या, मतलब मैंने कौन सा और कितने लीटर का ऑर्डर किया और इसकी क्या डिटेल है ये पहले करेंगे, फिर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, देखते हैं जो भी लेने वाला है वो लोग को ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर कैसा आता है, कितना वेट होता है। ये भी सब लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, तो मैं सब आप लोग आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। तो गाइस, इसकी पैकेजिंग की बात करें हम लोग पहले, तो ये कुछ इस तरीके से आया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 33 लीटर का है ये ओटीजी, मेरा ओवन ओटीजी। और यहाँ पर बहुत सारे इसकी जो दिखा है 4 डिफरेंट हीटिंग मोड, और इसका जो वोल्ट आप लोग बोल सकते हैं, जो पावर बोल सकते हैं, वो 1800 वोल्ट का पावर है इसका। और यहाँ पर बहुत सारे जो है रस्ट प्रूफ जिंक कोटिंग और टेम्परेचर कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं अच्छे से। पहले एक बार सारी जो डिटेल्स वगैरह है वो इधर लिखी हुई है, ये भी देख लेते हैं। इसका वेट जो है, आप लोग बात करते हो कि ये हैवी है या नहीं, तो इसका जो वेट है वो 6.28 केजी का इसका वेट है। 6.2 मतलब उठा ले आराम से, ईजी है मतलब उठाना। ऐसी पैकेजिंग में आया, मैं इसको अनबॉक्स करके फिर आपको उसकी बाकी की डिटेल अंदर बताती हूँ कि इसके साथ क्या क्या आया है। बहुत सारी चीज़ें आई है, जैसे वायर रैक आया है विथ फोर्स, मतलब जो हम लोग सीख बनाने वाली जो रहती ना वो भी आई है इसके साथ, चार अंदर भी हम लोग देखते हैं इसके साथ। तो गाइज़, हम लोगों ने इसको अनबॉक्स कर दिया और अनबॉक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि ये 33 लीटर का ओवन है, जैसे कि आपको मैंने बॉक्स में बता दी थी, और मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ। तो ये अंदर से भी बहुत अच्छा है, स्टील फिनिशिंग है इसका, इसका ग्लास आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। मैंने मतलब इससे पहले इतना बड़ा ओवन हम लोग के घर में किसी के पास भी नहीं था 33 लीटर वाला। इसमें आप लोगों को तीन मिलेगा मैनुअल, एक रहेगा टेम्परेचर का बटन, दूसरा रहेगा मोड, और तीसरा रहेगा टाइमर। टाइमर मतलब हम लोग कितने देर के लिए बेक करें सामान। और ये जो मोड है ये मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो दिया हुआ है, एक नीचे एक, मतलब इस पर दो रॉड है, जैसे कि आप लोगों को पता है ये नीचे दो रॉड है, ये ऊपर एक और ये एक दो रॉड है। तो अगर आप लोगों को दोनों चालू करने, मतलब नीचे से भी खाने को पकाना है और ऊपर से ही पकाना है, तो आप लोग ये जो ये है इसको इसको इधर लेकर आ जाओगे तो ये दोनों रॉड चालू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक रॉड चालू रखने की, तो जैसे आप लोग देख सकते हो सिर्फ एक रॉड चालू है, तो उसको आप लोग नीचे लाओगे तो एक रॉड चालू हो जाएगी। फिर यहाँ पर है ऊपर वाली रॉड, मतलब ये नीचे वाली रॉड चालू करना है तो इधर, ऊपर वाली रॉड चालू करना है तो इधर, और दोनों चालू करना है तो इधर। उसके बाद ये टेम्परेचर है 100 to 250 लास्ट है इसका, बहुत अच्छा है। 100 मोस्टली क्या होता है ना, 180 से चालू होता है और 250 पे ख़त्म हो जाता है। बट ये ओवन की मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि 100 से चालू है, अगर हम लोग लो टेम्परेचर वाली चीज़ है उसको भी इसमें आसानी से पका सकते हैं। और टाइमर भी आप लोग देख सकते हो 10 से शुरू है और 60 पे ख़त्म है। और अंदर की फिनिशिंग तो बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। उसका ग्लास मटेरियल भी बहुत अच्छा है, बट मैं जब यूज़ करूँगी तो इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा मैनुअल है, इसका मैनुअल कार्ड भी आया है, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये मतलब इसके ऊपर हम लोग कोई चीज़ नहीं रख सकते क्योंकि ये दिख रहा है आप लोगों को, इस पर साइन दी गई है। और इसका जो ये है ना वायर, ये तकरीबन 1 मीटर का होगा, 1 मीटर से थोड़ा कम होगा, 1 मीटर का जितना होगा। और इसका ये जो है ना ये थोड़ा बड़ा है, तो अभी तक हम लोग कोई भी बोर्ड में लग रहा नहीं, तो इसके लिए हम लोग को एक अलग बोर्ड बनाना पड़ेगा। और इसके साथ क्या क्या चीज़ आई मैं आपको वो दिखा लेती हूँ। इसके साथ हम लोग को मिले यहाँ पर ये मिला है, जो मतलब ट्रे बोल सकते हैं अपन, ये ट्रे जाएगी इसके अंदर ऐसे, अपन इसको कहीं भी फिक्स कर सकते, ये ऊपर वाली में, ये ऊपर वाली, ये ऊपर वाली में, इधर तो नहीं फिक्स करते, इधर तो ये इधर इधर, और एक नीचे भी लग सकती है इधर। और इसके साथ मुझे एक ऑरेंज ट्रे मिली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली ब्लैक कलर की, इसको भी हम लोग लगा सकते हैं।
और इसको लगा कर ही रखना है, क्योंकि हम लोग अगर कभी ऊपर कुछ बना रहे हैं और नीचे कुछ गिर जाएगा तो ये दिख रहा है ना, डायरेक्ट हमारी रोड पे जाकर गिरेगा, तो उससे क्या ना जलने की बदबू आएगी। तो हम लोग को ये लगा कर ही रखना है, और इस पर कुछ भी रखकर पका भी सकते हैं। और उसके साथ हम लोग को मिला है ये चार मिला है, इसको हम लोग स्टिक कर सकते, तंदूरी कर सकते, तंदूर जैसे बोल सकते हैं, हम लोग इसमें डाल के लगा सकते हैं। और इसको ये इसी को हम लोग उल्टा करेंगे, यहाँ पर ये रखने का भी बन जाता है। जैसे हम लोग ने इसमें इस जो भी हमारा पनीर बनाना है या चिकन को करना है, जो भी करना है उसको करके इसके ऐसा रख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ना, यहाँ पर ऐसा रख सकते हैं। या ये इजीली पकेगा भी, और हम लोग इसको घुमा घुमा के पलट भी सकते हैं। तो ये चार आया इसके साथ, और इसके साथ आया है ये एक हैंडल। ये हैंडल से हम लोग हैंडल क्या करेगा ना, ये हम लोग को जैसे ये गर्म रहेगा जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, तो ये हैंडल को हम लोग इजीली हैंडल को अटका कर इसको बाहर निकाल सकते हैं, और फिर लगाना भी रहा तो हम लोग फिर इसको इजीली लगा सकते हैं। तो बस ये वैसे ही है, इसको भी हम लोग इसी से उठा सकते हैं, देख सकते हो आप लोग, और इसको फिर लगा भी सकते हो। बहुत ईजी है, इसका कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कुछ ज़्यादा। और ये बस इसी के साथ यही सब आया था इसके साथ। और मैं आपको बता दूं, अभी आप लोग बोलोगे कि कितना बड़ा है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कितना लेंथ क्या है इसकी क्या है, क्योंकि ये दिखने में आपको वीडियो में शायद बहुत बड़ा लग रहा हो। अब आप लोग सोचोगे 33 लीटर का हमारे किचन में इतनी स्पेस होगी या नहीं होगी, तो मैं आपके लिए अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ कि कितना बड़ा है और आपके किचन में कैसे ये फिट बैठ सकता है। ठीक है, तो इससे मैं आपको बताती हूँ, इसकी लंबाई चौड़ाई सब मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। तो हुरैन मेरी मदद कर रही है इसमें, हुरैन सही से पकड़ो, हाँ। तो ये इधर से मैं इसकी लंबाई मैं आपको बता दूँ पहले, ये हम लोग सपोज कर सकते हैं 20.5, चलो 21 पकड़ लो, तो ये 21 इंच की इसकी लंबाई है, वहाँ से कोने से हुरैन ने पकड़ी है और यहाँ तक, वैसे तो 20.5 ही आ रहा है, यहीं तक आ रहा है, बट मैं 21 पकड़ के चल रही हूँ राउंड फिगर, 21 इंच इसकी जो लेंथ है वो 21 इंच की। अब इसकी साइड बताते हैं, इसकी लंबाई तो आप लोगों ने देख ली ना, ये चौड़ाई क्या बोलेगी इसको, एक सेकेंड, सामने से मतलब ये 21 इंच का है, और ये साइड में से हम लोग देखते हो ना, इधर पकड़ो, और साइड में से है ये, टाइट पकड़ो रेन, साइड में से है ये 12, परफेक्ट 12 से कम ही है थोड़ा, हम लोगों ने ढीला पकड़े 12 इंच का, ठीक है छोड़ दो। तो आप लोग देख सकते हो साइड में से 12 है, सामने से 21 है। अब आप लोग अपने किचन में मेजरमेंट लगा दो कि आपके उसमें 33 लीटर का आपके उसमें बैठेगा नहीं, क्योंकि रीजनेबल रेट है। तो बस ये मेरे को आपको बताने का था, बाकी की डिटेल मैं आपको वीडियो में बताती हूँ आगे। गाइस ये तो मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप कि आपको सब समझ आ गया होगा कि ये जो 33 लीटर का जो भी मैंने ओवन लियो, आपको पूरी अच्छे से मैंने समझा दी होगी क्या क्या उसके साथ आया है। और जो प्राइसिंग की बात करो तो ये वाला ओवन है ना, फ्लिपकार्ट पे कभी भी स्टॉक में आता ही नहीं है। मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि ये वाला जो ओवन है ये स्टॉक में कभी आता ही नहीं है, जल्दी अगर आएगा तो बहुत 2 मिनट के लिए स्टॉक में आता है, और 2 मिनट में फटाक से ये फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो अगर आपको ये ओवन को ऑर्डर करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डालूँगी, क्योंकि ये कभी भी स्टॉक में रहता ही नहीं है। तो आप लोग एक काम करना, फ्लिपकार्ट पे जाकर इसकी ब्रांड का नाम सर्च करना, 33 लीटर का, आप लोग अपने हिसाब से करना कितने लीटर का आपको चाहिए। तो आप लोग क्या करना ना, रात में 12 बजे से लेके 3 बजे तक और शाम में 6:30 से लेके 8 बजे तक बार बार जाकर इसको चेक करना, ये सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए स्टॉक में आता है और फिर फट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो ये मैंने जैसे ही, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मैंने इसको परचेज़ की उसके विद इन 30 सेकेंड के अंदर ये फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मतलब ये बहुत रीजनेबल रेट में आता है, आप लोग फ्लिपकार्ट पर जाकर इसका नाम सर्च करना, MARQ 33 लीटर, आपको उसकी प्राइसिंग पता चल जाएगी, बट ये स्टॉक में नहीं आता है। मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, तो आप लोग जब भी ऑर्डर करना तो आप लोगों को तीन बजे तक जाग जाके मेरी हालत क्या हो गई थी, मेरे को फिर आके नीचे डार्क सर्कल, क्योंकि मुझे यही वाला ऑर्डर करना था और मुझे मेरा जो बजट था वो यही था 33 लीटर में। आप लोग मानोगे नहीं, इतना बजट फ्रेंडली है ना, आप लोग फ्लिपकार्ट पर जाके सर्च करो, बट ये स्टॉक में रहता नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मुझे ये मिल गया, और मैं आपको बता रही हूँ ना कि 30 सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था, और अभी भी ये फ्लिपकार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक ही है। अगर आप बम्बई में रहते हो ना तो ये शायद आपकी लोकेशन पे होगा स्टॉक में, बट अगर मेरी लोकेशन पे और मैं जहाँ जहाँ रह चुकी हूँ वहाँ पर भी आउट ऑफ स्टॉक था। ठीक है, तो बस यही था ब्लॉग, अगर अच्छा यही था वीडियो, ब्लॉग नहीं था। तो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।